जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। जबलपुर में सबसे पहले निवेश प्रोत्साहन केंद्र का हुआ शुभारंभ। जिले में निवेश प्रोत्साहन केंद्र खोलने के आदेश पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश अनुसार प्रदेश के सबसे पहले निवेश प्रोत्साहन केंद्र का देर शाम जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष क्रमांक 43 में शुभारंभ किया गया। इस दौरान निवेश प्रोत्साहन केंद्र का शुभारंभ सांसद आशीष दुबे, विधायक अशोक राणी, संतोष वरकरे, जिला पंचायत अध्यक्ष आशा गौटिया, कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने सभी ने दीप प्रज्वलित कर किया। सबसे पहले हमने पूरा करके सर इस काम को उनका किया सर, और उस आधार पर आज उद्घाटन हो सका सर। सर के निर्देशन में हम आगे भी काम करेंगे सर। एक छोटी सी पीपीटी हमने इसमें रखा है, जो निर्देश आए सर वो इसमें निर्देश दिया गया था और इसी के तहत ये स्थापना की गई है। और इसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा जो भी नामांकित अधिकारी किए जाएंगे वो अधिकारी इसमें नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे, तो जैसा सर का निर्देश होगा वैसा इसमें काम करेंगे। आज जबलपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मंशानुरूप उनकी ये मंशा थी कि प्रत्येक जिले में निवेश प्रोत्साहन केंद्र खुलना चाहिए, और 24 तारीख को उन्होंने तय किया कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में केंद्र खुले, और आज 28 तारीख को मध्य प्रदेश में सबसे पहला निवेश प्रोत्साहन केंद्र जबलपुर में खुला है। निश्चित रूप से ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और अभी आपने देखा कि पिछले महीने यहाँ पर कॉन्क्लेव हुई थी, जिसके लिए भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं आप सबके माध्यम से उनका आभार भी करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ कि महाकौशल और जबलपुर को जिस तरीके से उन्होंने प्रमुखता दी, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जबलपुर में निवेशक आने वाले हैं और उनको कोई तकलीफ ना हो। सिंगल विंडो आज इसीलिए चालू की गई है कि जब वो आए तो उनको सरलीकरण हो, उनकी जितनी भी प्रक्रियाएं हो, चाहे उनको अनुमति लेना हो, अनुज्ञप्तियां लेना हो, या जो भी समाधान करना हो, उसके लिए एक सिंगल विंडो होगा। आज यहाँ कलेक्ट्रेट में पूरी एक विंग बनाई गई है, और आदरणीय कलेक्टर महोदय को भी मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने तत्काल हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप इस निवेश प्रोत्साहन केंद्र को आज यहाँ पर चालू किया है। समस्त हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्टी के अध्यक्षगण और सभी हम लोग यहाँ पर आए, हम सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठकर हमने इसको इस निवेश हमारे प्रोत्साहन केंद्र का यहाँ पर हमने शुभारंभ किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जबलपुर, आगे बढ़ता हुआ जबलपुर और बदलता हुआ जबलपुर हमको देखने को मिलेगा। ये थी आज की खबर, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।